LIC एडवाइजर्स जब आनंदा के द्वारा पॉलिसी करता है तो अंत में एक ऑप्शन आता है एडमिन जॉब का। जब आप कंप्लीट प्रपोजल फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, जब डिजिटली आप सारे फॉर्म सारे ऑप्शंस भर लेते हैं, उसके बाद आप जो मेन काम होता है वो एडमिन जॉब का होता है। तो एडमिन जॉब में बहुत सारे एडवाइजर्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो उनको फिलअप करने में कन्फ्यूज़न होता है कि उनको कैसे यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो में यह बताई जाएगी कि आप एडमिन जॉब का कैसे यूज़ करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमेशा आप ओपन लिंक का यूज़ करें। ओपन लिंक का यूज़ करने से क्या होगा कि कस्टमर के मोबाइल पर OTP आएगी और उसका सारा प्रोसेस आप अपने मोबाइल पर या अपने लैपटॉप पर ही कर पाएंगे। क्योंकि आज इंश्योरेंस एडवाइज़र ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, इस कारण मोबाइल फ़ोन पर ही यह समझाई जा रही है। तो आप ओपन लिंक का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एडमिन जॉब का कैसे यूज़ करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि यह चैनल आपके लिए एक कंप्लीट चैनल है, क्योंकि यहाँ एक इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए जितने भी वीडियोस की आवश्यकताएं होती हैं वो सारे यहाँ पे अपलोड की जाती हैं, चाहे वो टेक्निकल ट्रेनिंग वीडियोस हो या मोटिवेशनल वीडियोस हो या CLI से रिलेटेड वीडियोस हो या IRDA और कंपनियों के लेटेस्ट अपडेट्स हों, वो सारे यहाँ पर अपलोड की जाती हैं। तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही अपने फ्रेंड्स के बीच इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक भी ज़रूर कर दें। और यदि आप आनंदा के द्वारा ऑनलाइन पॉलिसी कैसे करेंगे उस पर कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर अपलोड की जा चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। टेक्निकल और ट्रेनिंग वीडियोज़ में वो मिल जाएंगी, या फिर आनंदा का एक ऑप्शन है प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको LIC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, www.licindia.in। LIC के ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर जब आप जाएंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये LIC का ऑफिशियल होम पेज है। यहाँ देखिए आनंदा का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये आनंदा है। आप यहाँ पे टच करेंगे, जैसे आप यहाँ पे टच करेंगे तो ये आपको एक्सटर्नल लिंक यानी आनंदा के पोर्टल पर लेकर चला जाएगा। अब यहाँ पर आप जैसे चाहें इसमें एंटर कर सकते हैं, पासवर्ड के थ्रू हो या OTP के थ्रू हो। तो यहाँ पे देखिए जैसे टच करेंगे आप इस जगह पे, तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देंगे कि आपको किस तरह से इसमें लॉगिन करना है आनंदा में। यदि आपको पासवर्ड याद है तो फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सेकेंड ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं जिसमें OTP आएगी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जो कि मोबाइल नंबर आपके ऑफिस में दी हुई है। चलिए यहाँ पे टच करते हैं, चूँकि ये ईजी ऑप्शन है। जैसे ही आप यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ पे ब्लू कलर का ऑप्शन है एंटर, यहाँ पे टच करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस आ गए, टोकन लॉगिन और OTP लॉगिन। ये ऊपर देखिए टोकन लॉगिन है और नीचे में OTP लॉगिन है। चलिए OTP लॉगिन सेलेक्ट कर लेते हैं और प्रोसीड करते हैं। ब्लू कलर पे प्रोसीड लिखी हुई है, यहाँ पे टच करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका एजेंसी कोड डालने का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर एजेंसी कोड अपना डाल देंगे। कंप्लीट कोड अलोंग विथ योर नंबर एंड लेटर और गेट OTP पे टच करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, उस OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर OTP का ऑप्शन है, चलिए OTP डाल दी गई। प्रोसीड करेंगे। अब ये देखिए आपका ये पेज खुल गया। अब इसको आप ठीक से पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, आप जब आनंदा से पॉलिसी करते हैं तो उसमें लगातार कुछ अपडेट्स आते हैं, तो इनको आप पढ़ लिया करें। जब भी आप आनंदा का पेज खोलें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। जो भी नए अपडेट्स आते हैं उनको यहाँ पे डाला जाता है, तो आप इसको पढ़ लिया करें जब भी आप आनंदा खोलें। नीचे में कंटिन्यू है, कंटिन्यू पे टच करेंगे। ये सारे ऑप्शंस को पढ़ें। जैसे देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, यूली प्लान्स ओनली ऑनलाइन पेमेंट्स ऑप्शन अलाउड। आप यूली प्लान जब करेंगे तो केवल ऑनलाइन पेमेंट ही यहाँ से अलाउड होंगे, आप BOC अटैच नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू जो हमें मेन काम है। यहाँ पे देखिए ऊपर में 3 लाइन्स आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे आप टच करेंगे। जब यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे एडमिन जॉब का एक ऑप्शन है, यहाँ पे रिसेंट लिंक, ओपन लिंक, दो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। नीचे और भी लिंक्स हैं, तो ये ओपन लिंक का आप यूज़ करेंगे, क्योंकि जब रिसेंट लिंक का यूज़ करेंगे तो कस्टमर के पास लिंक जाएगा। तो चलिए ओपन लिंक पे टच करते हैं। जैसे ही ओपन लिंक पे टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आ जाएंगे, कस्टमर वेरिफिकेशन, ई साइन प्रपोजल लिंक, ई साइन ACR लिंक, EMHR लिंक। कस्टमर का वेरिफिकेशन सबसे पहले ज़रूरी होता है प्रपोजल फिलअप के बाद, उसके बाद ही पेमेंट होती है, उसके बाद ईसाइन होता है, उसके बाद ईसाइन ACR, उसके बाद जो है EMHR का ऑप्शन आता है जो कि
ड्यूज करते हैं। चलिए एक एक करके इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो एक्सेस आईडी जनरेट होती है प्रपोजल फिलअप के समय, एक एक्सेस आईडी जनरेट होती है अनंत से जब आप पॉलिसी करते हैं, तो उस एक्सेस आईडी को यहां पर डालना होगा। चलिए एक्सेस आईडी डाल दिया और नीचे कैप्चा डाल दिया। और गेट ओटीपी पे टच करेंगे। अब कस्टमर के मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को यहां पे डालेंगे। और प्रोसीड कर लेंगे, ये वेरिफिकेशन होगा। इसी तरह से ई साइन भी करनी होगी। ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब नीचे में फाइनल सबमिट करेंगे। आप चाहे तो व्यू देख सकते हैं, उसके प्रपोजल को एडिट कर सकते हैं। नीचे में फाइनल सबमिट का ऑप्शन है, आप फाइनल सबमिट भी कर सकते हैं। चलिए फाइनल सबमिट करते हैं। अब उसके बाद जब जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद ये पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट करने के बाद ही फिर प्रपोजल ई साइन और एसीआर ई साइन होगा, उसके बाद ये आनंदा की प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले पेमेंट कर लेते हैं। या देखिए पेमेंट का बहुत सारे पेमेंट के जो ऑप्शन हैं यहाँ पे, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम, जीएसटी और टोटल प्रीमियम दी हुई है। इसको आप देख लें, कस्टमर को बता दें टोटल प्रीमियम क्या लग रही है। और नीचे में एक चेकबॉक्स है, इस चेकबॉक्स को टच कर लें। ये एग्री करने के बाद नीचे प्रोसीड है, इसको प्रोसीड पे टच करेंगे। ये आपको पेमेंट पेज पर लेकर आ गया। अब यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे पेमेंट करने के। चूंकि डेबिट कार्ड जिसको एटीएम कार्ड भी कहते हैं, वो सभी के पास होता है, तो आप उस कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड, कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी मंथ मंथ और ईयर ईयर डालेंगे, और पीछे में 3 डिजिट की सीवीवी नंबर होती है उसको डाल देंगे, और नीचे में पे पर टच कर देंगे। मोबाइल पर ओटीपी आएगी, ओटीपी डालने के बाद ये पेमेंट सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। नीचे में देखिए आपका क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट का ऑप्शन है, जो लोग चाहे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या फिर यूपीआई से भी कर सकते हैं। यूपीआई में फोन पे, गूगल पे, जो भी आप यूज़ करते हैं उसका भी यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं। उस यूपीआई आईडी को आपको यहाँ पे नीचे डालना होगा। इस जगह पे आपको गूगल पे या फोन पे में देखिएगा, वहाँ पे यूपीआई आईडी का ऑप्शन आप देख सकते हैं, वहाँ पे लिखी रहती है। गूगल पे फोन पे जब आप खोलेंगे तो उस आईडी को यहाँ पर आप डालेंगे, यूपीआई आईडी को, और फिर यहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यूपीआई से भी इजीली पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आज गूगल पे फोन पे का सभी यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है, फिर पेमेंट कंप्लीट होगा, उसके बाद ई साइन प्रपोजल और ई साइन एसीआर होगा। तो जैसे आपने कस्टमर का वेरिफिकेशन किया था ओटीपी डालकर, वैसे ही ओपन लिंक में आप ई साइन प्रपोजल लिंक पे टच करेंगे, तो कस्टमर के मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी। ई साइन प्रपोजल लिंक पे टच किया, जैसे ही टच करेंगे तो यहां पे देखिए फिर नीचे में ऑप्शन आ जाएगी, प्लीज एंटर एक्सेस आईडी। यहां पे एक्सेस आईडी डालेंगे और गेट ओटीपी पे टच करेंगे। कस्टमर के मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को डालने के बाद आधार का साइट खुलेगा, वहां पे आधार नंबर डालना होगा, उसके बाद उसको ई साइन कंप्लीट कर लेना होगा। यहां पे एक्सेस आईडी और यहां पे गेट ओटीपी पे टच कर देंगे। एक्सेस आईडी डालने के बाद गेट ओटीपी पे टच करेंगे। गेट ओटीपी जैसे टच करेंगे, कस्टमर के मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी, उसको डालने के बाद आधार डालने का ऑप्शन आएगा, उस आधार नंबर को डाल के ई साइन कर लेंगे। अब उसके बाद ईएमएचआर, अब यहाँ पे देखिए एसीआर को कैसे ई साइन करेंगे। यहाँ पे एक्सेस आईडी डालनी होगी, गेट ओटीपी डालनी होगी। ओटीपी डालने के बाद आधार का ऑप्शन आएगा, आधार नंबर डालकर एसीआर को ई साइन कर लेंगे। वहां पर आधार एसीआर में एजेंट को अपना आधार डालना होगा। आधार एसीआर ई साइन के लिए एजेंट को अपना आधार डालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप एसीआर का ई साइन कर लेंगे, और उसके बाद एसीआर ई साइन होने के बाद ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे और पॉलिसी जनरेट हो जाएगी। यदि ऑटोमेटिकली पॉलिसी जनरेट नहीं होती है तो फिर आप अपने ब्रांच मैनेजर को या फिर NBHOD को कॉल करके इसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, वहां से वो पॉलिसी जनरेट कर देंगे। उम्मीद है एडमिन जॉब का ओपन लिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।